रूस यूक्रेन युद्ध का आज 33वां दिन। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रूस का कब्जा यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी शहर मरियोपोल के ज्यादातर हिस्सों में रूस ने कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है। हालांकि जेलेंस्की की ओर से लगातार बातचीत की पेशकश की जा रही है, लेकिन फिलहाल शांति होती नहीं दिख रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि मरियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। लगातार युद्ध के बीच की ये तस्वीरों के साथ ही अब ये खबर आ रही है कि जेलेंस्की काफी नुकसान के बाद अब तटस्थ रहने के लिए राजी हो गए। 46,080 सेकेंड, 768 घंटे, 32 दिन। क्या अब रूस के सामने सरेंडर करेगा यूक्रेन? क्या आज होने वाली वार्ता में रूस की शर्तें मानेगा यूक्रेन? ये वो सवाल है जिनके जवाब पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। आज तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि फिर से आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वार्ता से पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की से साफ शब्दों में कहा है कि वो पुतिन की गैर वाजिब मांगों के आगे नहीं झुकने वाले। यूक्रेन और रूस के बीच पहले भी बेलारूस में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे, नेटो में शामिल नहीं होने की गारंटी दे, दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश माने, डोनबास में नियोनाजी ओजोव आर्मी को खत्म करे। रूस ने यूक्रेन पर परमाणु और जैविक हथियार हासिल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है, जिसे जेलेंस्की खारिज कर रहे हैं। जेलेंस्की के बयानों से अब ये भी लगने लगा है कि रूसी हमलों से यूक्रेनी सेना के हौसले अब पस्त होने लगे हैं, हथियारों की कमी हो रही है और बिना हथियार के कोई भी सेना दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती है। दक्षिण यूक्रेन में ओजोव सागर से सटा मारियोपोल वो शहर है जिस पर रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं। रूस इस शहर पर कब्जा कर क्रीमिया खेरसोन को डोनबास इलाके से जोड़ना चाहता है, ताकि उसकी सेना को रसद के लिए नया रूट मिले और यूक्रेन को ब्लैक सी से काटकर उसकी आर्थिक नाकेबंदी की जाए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि युद्ध के एक महीने बाद उसने अपनी मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर लिया है और अब वो डोनबास के दोनेत्स्क और लुहांस्क की आजादी पर फोकस करेगा। ABP News, आपको रखे आगे।